पिछले दो साल से पूरी दुनिया ऐसी महामारी का सामना कर रही है, 100 साल में कभी न ऐसी महामारी किसी ने देखी, न ऐसी महामारी के लिए किसी ने सोचा। पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को इस महामारी ने चपेट में लिया है। इस समय विपक्ष का भी यह दायित्व था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, लोगों का हौसला बढ़ाए, लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं, व्यापार कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा क्या? सबको टीका लगा? आपको टीका लगाने के लिए एक रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या? एक पैसा भी देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, महामारी के दौरान जब देश गरीबों के चिल्ले की, उनके चूल्हे की चिंता कर रहा था, तो इन परिवारवादियों को अपने वोट की चिंता सता रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, 15 करोड़ परिवारों को। मुश्किल में समय में अपना ही साथ देता है, जो पराया होता है वो इन गौर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है।